वेलकम टू द गेट एक्सीलेंस। गेट के प्रीवियस ईयर्स के वीडियो सॉल्यूशंस में अपन आज 2014 में पूछे गए सेट 4 में सवालों का जवाब देख रहे हैं। 2014 के सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 1 ये अपने को बता रहा है द आउटपुट वाई ऑफ द सर्किट शोवन इन द फिगर इज। एक मार्क का क्वेश्चन है, अपने पास एक सर्किट दे रखा है और कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो सर्किट को देखते ही ये पता लगता है कि ये एक सीमॉस का सर्किट है और उसका एक सिंपल लॉजिक ये होता है कि अगर आपके पास कोई सीरीज में कनेक्शन दे रखे हो तो आप सिंपल उनका सीरीज में दे रखा हो तो आप उनका एंड ऑपरेशन करते हैं, और अगर पैरेलल में दे रखा हो तो आप उनका और ऑपरेशन करते हैं, और फाइनली इन दोनों को इन्वर्ट कर देते हैं, इन्वर्ट एट लास्ट। तो अपने पास ए बी और सी बार ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो मैं सिंपल इनका एंड ऑपरेशन कर देता हूँ ए डॉट बी डॉट सी बार, फिर फाइनली इसका ओवरऑल बार करूँगा तो मेरे को वाई मिलेगा। डी मॉर्गन थ्योरम से आप इनके डॉट प्रोडक्ट को और ऑपरेशन में चेंज कर लेंगे और ऊपर वाला जो बार है वो हर एक के इंडिविजुअल में आ जाएगा। तो ए बार बी बार सी बार एंड अगेन बार, डॉट इज चेंजिंग टू प्लस, सो फाइनली आंसर विल बी ए बार प्लस बी बार प्लस सी। ये ऑप्शन में अपने को चेक करना है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही मिल जाता है अपने पास ए बार प्लस बी बार प्लस सी, दैट इज द राइट आंसर। अगला सवाल है गेट 2014 के सेट 4 से, इन द सर्किट शोवन इन द फिगर इफ सी इज इक्वल्स टू 0 द एक्सप्रेशन फॉर वाई इज। एक सर्किट दे रखा है जिसमें नॉर गेट भी है और गेट भी है, एंड है नैंड है नॉट है, और पूछा है वाई का एक्सप्रेशन क्या होगा, और एक्सप्रेशन के लिए ऑप्शंस दे रखे हैं अपने पास। ठीक, उन्होंने बोला c इज इक्वल्स टू 0, तो अब c इज इक्वल्स टू 0 पुट कर दीजिए। आउटपुट ऑफ द नॉट गेट विल बी 1। फर्स्ट गेट एक्सप्रेशन देगा a प्लस बी का बार बिकॉज इट इज अ नॉर गेट। ये है और गेट और उसके साथ दूसरा जो है वो है 0, यानी दो इनपुट होते हैं तो एक इनपुट 0 प्लस a प्लस बी का बार, तो फाइनल a प्लस बी का बार इज द आंसर, इज द आउटपुट फॉर दिस नॉट आंसर। नाउ a प्लस बी का बार अगेन और गेट में जा रहा है और दूसरा ए बी का डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, तो ए बी सिंपल प्लस a प्लस बी का होल बार इज द आउटपुट ऑफ दिस। तो मैं इसका आउटपुट देख रहा हूँ आपके सामने, गेट नंबर 1 2 3 4 5। तो आउटपुट ऑफ फोर्थ गेट इट इज सिंपली ए बी प्लस ए प्लस बी बार। क्या आउटपुट आ गया फोर्थ गेट का? ए प्लस बी का बार। ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही मिलेगा, और फिर अगर मैं उसका होल बार करूंगा तो मुझे y मिल जाएगा, क्योंकि y सिंपल नैंड गेट है। तो नैंड गेट को 1 और उसको साथ फोर्थ का आउटपुट के साथ मल्टीप्लाई किया और होल बार कर दिया। अब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर वापस वही मिलना। अब ऊपर जो होल बार है उसको मैं ब्रेक द बार चेंज द साइन करके डी मॉर्गन से अप्लाई करूंगा, तो ए बी बार डॉट ए प्लस बी होल बार का वापस बार, तो डबल बार कैंसिल होना है ये। तो इसको आप डी मॉर्गन वापस लगाइए, दैट इज ए बार प्लस बी बार डॉट ए प्लस बी, क्योंकि ये डबल बार कैंसिल आउट हो गया, या डबल बार वापस वही टर्म देगा अपने को। ए इंटू ए प्लस विल गिव यू 0, ए बार बी बच जाएगा प्लस ए बी बार और बी बी बार 0, तो फाइनल अपने पास रिजल्ट ये आया। तो y का ऑप्शन कहीं मिल रहा हो तो ए बी बार प्लस ए बार बी, तो ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। तो सिंपल ये एक मार्क्स का सवाल था, केवल अपने को कैलकुलेशन करके चेकआउट करना था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सेट 4 का अगला सवाल है, 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर इज यूज टू इम्प्लीमेंट अ लॉजिकल फंक्शन एज शोवन इन द फिगर, द आउटपुट वाई इज गिवन बाई। आउटपुट वाई को अपने को निकालना है और 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर दे रखा है जिसकी 3 सिलेक्शन लाइन आपको दे रखी है ए बी सी के लिए फॉर्मेट में, और कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं जो वाई के एक्सप्रेशन को शो कर रहे हैं। पहले तो ये ध्यान दे दीजिए, ये D, D और 1 केवल इन्हीं पर आउटपुट आएगा, बाकी सारे इनपुट्स पे 0 0 लगा रखा है, तो बाकी सारे इनपुट से अपने को वैसे कोई मतलब नहीं रहा। तो मुझे इन तीन फंक्शंस के ऊपर काम करना है। तो जब मैं ABC की वैल्यू 0 0 1 रखूँगा तो मेरे पास I1 सेलेक्ट हो जाएगा। तो मैं Y की वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूँ, दैट इज सिंपली जब ABC की वैल्यू 0 0 1 होगी तब I1 सेलेक्ट होगा, जब आप इसकी वैल्यू 0 1 1 रखेंगे तो I3 सेलेक्ट होगा, और जब इसकी वैल्यू 1 1 0 रखेंगे तो I6 सेलेक्ट होगा। बाकी सब जगह 0 है तो मेरे को इसी के ऊपर काम है। तो I1 को सेलेक्ट करता हूँ, यानी 0 0 1 0 0 1 इंटू इनपुट इज D प्लस I3 0 1 1 तो 0 1 1 B और C को 1 1 इंटू D प्लस 6 पे 1 है तो सिंपल 1 1 0 तो 1 1 और 0 A B C बार, दैट्स ऑल। बस इसको मिनिमाइज करना है मुझे। फर्स्ट टू टर्म पे चेक करिए, A बार B बार C D, A बार B C D कुछ कॉमन आ रहा है क्या, या थर्ड में से कुछ कॉमन आ रहा है आपको दिख रहा हो तो देखिए। तो A बार कॉमन है, C कॉमन है, D कॉमन है, तो A बार C और D को मैं अलग लिख देता हूँ, तो B प्लस B बार मेरा 1 हो जाएगा प्लस A B C बार। B प्लस B बार को 1 1 लिखते हैं तो ऑप्शन रहेगा A बार C D प्लस A B C बार। A B बार C नहीं है, A बार B C भी नहीं है, A B C बार ऑप्शन में है, A बार C D, तो ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें केवल ये ध्यान रखना था कि अपने को इनपुट्स में कहाँ कहाँ पे जो जो वैल्यूज़ दे रखी है वो आउटपुट पे 1 को उसको कंबाइंड करके फंक्शन बनाना है, जहाँ जहाँ पे 0 दे रखा है उनको अवॉइड करते हुए अपने को आगे चलना है। अभी इसको D से कोई फर्क नहीं पड़ता, D की वैल्यू 0 हो चाहे 1 हो, ऑप्शन में अपने को D के फॉर्मेट में ही दे रखा है तो अपन के D के फॉर्मेट में फंक्शन बना देंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। A 16-bit ripple carry adder is realized using 16 identical full adder। 16 फुल एडर्स लगा रखे हैं, देखो FA0 से शुरू हुआ FA15 तक चल रहा है, यानी 16 फुल एडर लगा रखे हैं। एज शोवन इन द फिगर द कैरी प्रोपोगेशन डिले, कैरी प्रोपोगेशन डिले का मतलब कैरी इस फुल एडर से दूसरे फुल एडर में, फिर तीसरे में, फिर इस तरह से। तो एक में जाने के लिए वो ले रही है 12 नैनो सेकेंड, ठीक। और सम प्रोपोगेशन डिले इज फॉर ईच फुल एडर इज 15 नैनो सेकेंड। सम अगर प्रोपोगेट कराएंगे तो वो 15 नैनो सेकेंड लेगा, यानी एक फुल एडर को पास करने में 15 नैनो सेकेंड। द वर्स्ट केस डिले ऑफ दिस 16-bit एडर विल बी, वर्स्ट केस डिले क्या मतलब हुआ कि देखो पहले तो ये ध्यान दो, कैरी तो प्रोपोगेट होगी होगी, कारण क्या है, एक तो ये रिपल कैरी एडर है, दूसरा फुल एडर अपने पास 16 आइडेंटिकल लगा रखे हैं अपन ने, तो अपने को ये देखना है कि कैरी तो जा ही रही है, यानी कैरी तो अपना प्रोपोगेशन डिले लेगी, तो वो तो अपना हो ही गया। तो कितना लेगी, जब आप 16 के ऊपर आएंगे, यानी 16 का आउटपुट चेक करेंगे तब 16 तो टोटल फुल एडर्स हैं अवेलेबल, एक कैरी ले रही है, प्रोपोगेशन डिले ले रही है 12 नैनो सेकेंड, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा 7,192 नैनो सेकेंड। ये तो कैरी प्रोपोगेशन डिले हुआ टोटल, ठीक। अब मुझे ये नहीं चाहिए कि सम प्रोपोगेशन मेरे को चेक करना है कि अब वो हमेशा प्रोपोगेट हो रही है क्या सम, भाई फर्स्ट का सम अगर जनरेट आपको नहीं, मतलब कैरी प्रोपोगेट करनी होती है, सम प्रोपोगेट नहीं करना होता है। तो जब आप 15 पे ये मिला आपको, आफ्टर 15 पे तो मुझे एक पहले चेक करना है 14 पे क्या होगा, तो 192 - 12 करो पहले तो 180, यानी इस 14 तक कैरी अगर आई है तो वो 180 नैनो सेकेंड लेगी। और अब इसमें सम प्रोपोगेट होगा, तो वो सम प्रोपोगेट होने में कितना टाइम लेगा, 15, क्योंकि अपने को वर्स्ट डिले पूछा है, तो बस इतना चेक करके अपने को यहाँ पे 15 ऐड कर देना है, तो 180 नैनो सेकेंड प्लस 15 तो 195 नैनो सेकेंड इसका वर्स्ट प्रोपोगेशन डिले होगा। ये ध्यान रखना है कि सम प्रोपोगेट नहीं हो रहा है हर एक में, तो सम प्रोपोगेट होगा फाइनल में मान के चलेंगे कि यहाँ पे सम प्रोपोगेट हुआ तो ये इसने टाइम लिया यहाँ से यहाँ पहुँचने में, लास्ट वाले में 15 नैनो सेकेंड, वो प्लस कैरी तो प्रोपोगेट हो ही रही है, तो कैरी अगर प्रोपोगेट हो गई 15 तक, क्योंकि सॉरी 14 तक, 15 के आगे तो कैरी प्रोपोगेट होगी नहीं, तो 14 तक कितनी कैरी की प्रोपोगेट हुई, तो बताया अपन ने 180 नैनोसेकंड का टाइम लिया उसने कैरी प्रोपोगेट होने में। और अब मान लो सम भी प्रोपोगेट हुआ तो वो 15 और लेगा, यानी फाइनल तक पहुंचने में उसको 195 नैनोसेकंड का वर्स्ट केस डिले मिलेगा। ये ध्यान रखने वाली बात थी कि सम को हमेशा प्रोपोगेट करके ऐड मत कर देना कि साहब 50 नैनोसेकंड है, 15 अपने पास है ही है, क्योंकि टोटल 16 फुल एडर है, तो 15 तक जाओ, 15 को इस 15 से मल्टीप्लाई करो 225, फिर उसमें जोड़ो, तो जवाब गलत हो जाएगा, सम प्रोपोगेट हो नहीं रहा है। तो ये ध्यान देने वाली बात थी। ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल आंसर टाइप था, तो आपको इसमें जवाब देना था, तो 195 इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू।